भारत माता की जय को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मसले पर इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम ने फतवा जारी कर कहा है कि भारत माता की जय बोलना मुसलमानों के लिए जायज नहीं है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। भारत माता की जय बोलने को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल अब इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद जा पहुंचा है। जहां नारेबाजी पर पूछे गए सवालों के जवाब में संस्था ने एक फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि इंसान ही इंसान को जन्म दे सकता है तो धरती माँ कैसे हो सकती है। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकता तो भारत को देवी कैसे माने। मुसलमानों को खुद को इस नारे से अलग कर लेना चाहिए। मुसलमान एक खुदा में यकीन रखने वाला और खुदा के सिवा किसी की पूजा नहीं कर सकता। जबकि इस नारे में हिंदुस्तान को देवी की तरह समझा गया है, जो कि इस्लाम मजहब में मानने वालों के लिए शिर्क है। फतवे ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतवे को शहीदों का अपमान करार दिया है। एक इस्लाम की कट्टरपंथिता झलक रही है इसमें, क्योंकि भारत माता के नारे लगा करके लाखों करोड़ों शहीद हुए हैं, फांसी के फंदे चूमे हैं, और उनके भारत माता को नकारना माने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की अपमान करने के बराबर है। साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा बीजेपी के कई और नेताओं ने भी इसे गलत बताया है। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था कि देश के युवाओं को भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ेगा। उनके बयान के बाद से ही सियासत के इस नए अध्याय पर बहस जारी है। मोहन भागवत, ओवैसी, जावेद अख्तर, MIM विधायक के बाद अब दारुल उलूम का फतवा। इस लिस्ट में और कितने नाम शामिल होंगे या फिर इस विवाद पर ब्रेक लगाया जाएगा, ये देखना भी बाकी है।